सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रावण नवरात्र मेले के चलते श्रद्धालुओं का खूब जमघट लग रहा है। मेलों के मद्देनजर चिंतपूर्णी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने चिंतपूर्णी पहुंचकर मां छिन्नमस्तिका की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी गाड़ियों, बसों, ट्रकों, बाइकों और साइकिलों पर तो चिंतपूर्णी पहुंचे ही, वहीं हजारों श्रद्धालु पैदल और दंडवत होकर भी मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाने पहुंचे। हालांकि इस साल पिछले सालों के मुकाबले चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है। ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪੈਦਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਈਆ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਮਨ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਮਾਂ। ਜੈ ਮਾਂ ਛਿੰਨਮਸਤਿਕਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਮੇ ਬਾਂਸਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ 100 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਡੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। VIP ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤਾ। नवरात्रों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से मां के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिए ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रावण अष्टमी के जो मेले हैं वो 25 तारीख तक चलेंगे। आज छठा दिन है उनका और माता के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने इस दौरान जो है वो माथा टेका है। हमारे मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था और सुरक्षा के जो प्रबंध है पुलिस और होमगार्ड के माध्यम से वो किए गए हैं। इसमें सभी 6 दिन जो श्रद्धालु जिन्होंने माथा टेका है उनको सुगम दर्शन प्रणाली के माध्यम से भी जो हमारे बुजुर्ग दिव्यांग हैं उनको दर्शन कराए गए हैं और इलेक्ट्रिक कार्ड की सुविधा भी ऑफर की जा रही है। आने वाले 4 दिनों में भी जो हमारे प्रबंध हैं वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने पूर्ण किए हुए हैं। और हम सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं और लंगर संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था और मंदिर में जो है वो डिसिप्लिन बनाए रखने में जो है हमारी सिक्योरिटी टीम्स का सहयोग करें और माता रानी के जो दर्शन है वो प्राप्त कर आशीर्वाद लें। बता दें कि 10 दिनों तक चलने वाले श्रावण मास के नवरात्र मेले का आगाज 17 अगस्त को हुआ था और ये मेला 25 अगस्त तक चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।